दिनों मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आदेश जारी किए थे कि रोड से मवेशी को हटा लिया जाए। इससे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यह आदेश हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। सब तरफ रोड पर गौवंश और अन्य मवेशी बैठे दिखाई दे रहे हैं। खासकर रात के समय मवेशी सड़क पर बैठ जाते हैं, जिस कारण हर दिन सड़कों पर एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो रही है। मामला कुछ दिन पहले का है, जहाँ सिरोंज में अज्ञात वाहन 3 गायों को रौंद दिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों की गौशालाएं फैल हो गई है, सरपंच और उनके चहेते गौशाला से कमाई कर रहे हैं। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि पहले से ही नगर की 3 गौशालाओं में क्षमता से ज्यादा गौवंश रखा हुआ है, वहां अब और नहीं रखा जा सकता। सबको मिलकर ही कोई हल सोचना होगा। रोज रात में किसान जागकर गायों को भगा रहे हैं, बहुत विकट समस्या है गायों की, और आवारा पशु रोड पे घूम रहा है। रात में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फसल पकी हुई है हमारी, फसल पक कर तैयार है, आवारा पशु उसमें घुसते हैं तो फसल खराब होती है, फसल टूटती भी है। कई कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, सिरोंज में 3 गौशाला और तीनों गौशाला में जितनी क्षमता शेड की है, पानी और भूसा की है, उससे ज़्यादा गाय रखी गई, लेकिन हम ऐसा विचार करेंगे, सार्वजनिक राजनीतिक और पत्रकारों के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठेंगे। अपन एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि एक शेड अपन बना दें, रात्रि में गऊ वहाँ विश्राम करें, दिन में चलने के लिए जाएं, और जो इधर उधर हर कहीं घास डालते हैं वो उस स्थान पर आ गए। सिर्फ सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। गऊ माता की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी, जो कि भाजपा की सरकार में इस समय ग्राम पंचायत से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है। इसके बाद भी गाय के नाम पर राजनीति करने वाले और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों की खुद की सरकार में गाय दर दर भटक रही है। रोज सैकड़ों एक्सीडेंट इन रात गायों के चक्कर में हो रहे हैं। रात को वाहन चालकों की इनसे टक्कर होती है और कई लोगों की मौत भी हो रही है, परंतु प्रशासन शासन ये सत्ता में बैठे हुए लोग कोई भी इतनी बड़ी विकराल समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ 24 गौशालाएं हैं, जिसमें से 23 अभी फंक्शन है, हमने उनका भौतिक सत्यापन भी करवाया था। तो गौशालाओं की कैपेसिटी 110-120% के आसपास है, तो उन गौशालाओं में एडिशनली और गायों को भेजना संभव नहीं है। इसके लिए हमने विकल्प यही सोचा था कि कुछ टेम्प्रेरी गौशालाएं बनाई जाएं, और जो मालिकों की गायें हैं, जो निजी गायें हैं, जिनको जिस गौवंश को घरों के द्वारा छोड़ दिया गया है उनको सौंपा जाए, तो वो कार्रवाई चल रही है। एनिमल ट्रॉली, एनिमल कार्ट हमारे पास है, जिसके द्वारा हर दिन 10-15 गायों को छोड़ के हम लोग आ भी रहे हैं टेम्परेरी गौशालाओं में। एक जगह हमने चिन्हांकित की है, वहाँ पे उनके खाने की भी व्यवस्था की हुई है, तो वो कार्रवाई सतत चल रही है। इसमें और गति देने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने नगर पालिका को निर्देशित किया है कि मुख्य चौक चौराहों में, मुख्य मार्गों में जो गाय विचरण कर रहे हैं उनको वहाँ से हटाएँ, ताकि आवागमन में दिक्कत ना हो।